गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप, आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और साइंस के आज हम लोग 25 वो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए, क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज़्यादा यानी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? विच नोबेल गैस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन और रेडोन। तो रेडोन गैस है और इस ट्रीटमेंट को दोस्तों रेडोन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोगों को जरूर पता होगा, रेडोन थेरेपी के नाम से जाना जाता है इस प्रोसेस को। तो कौन सी नोबेल गैस का यूज किया जाता है इसमें? रेडोन गैस का यूज किया जाता है। रेडोन जो है एक रेडियो एक्टिव, कौन सी ये ध्यान रखेंगे आप लोग, एक रेडियो एक्टिव, रेडोन एक रेडियो एक्टिव रंगहीन यानी कलरलेस और स्वादहीन, ऑडरलेस गैस है, यानी कैसी? स्वादहीन और रंगहीन गैस है रेडोन, और रेडोन थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है इस गैस का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़? रबड़ को वल्कनित के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फॉस्फोरस? तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर। सल्फर का यूज किया जाता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी रबड़ को वल्केनाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है? विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? विभवांतर की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो एसआई यूनिट पूछी गई है एम्पियर, वोल्ट, वॉट या जूल। तो आप जानते हैं जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और वोल्ट किसके? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। एम्पियर, एम्पियर में क्या मापा जाता है दोस्तों? करंट मापा जाता है। जबकि वाट किसके यूनिट होती है? पावर की। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, और जूल जो है वर्क की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, विच इज द फिनोमिना ऑफ लाइट रिलेटेड टू ब्लू कलर? आकाश नीला दिखाई देता है किस वजह से? तो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के कारण, रिफ्लेक्शन, परावर्तन के कारण, रिफ्रेक्शन अपवर्तन के कारण, या स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण। जी बिल्कुल, क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, कितना आप लोगों को यहाँ से स्कोर बनता है। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, लेवल आसान ही है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और किनको यहाँ पे परेशानी आती है। तो जिनकी रिवीजन नहीं है, जिनका लेवल अच्छा नहीं है तैयारी का, उनको दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? लेंस मेड अप ऑफ, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स, फ्लिंट, ऑर्डिनरी या कोबाल्ट ग्लास से। तो लेंस किससे बनता है? अभी पायरेक्स ग्लास से बनता है, फ्लिंट ग्लास से बनता है, ऑर्डिनरी ग्लास से बनता है, या फिर कोबाल्ट ग्लास से बनता है। देखिए कितनी बार ये पेपर में अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को है पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा इसका आंसर? फ्लिट कांच, यानी फ्लिट ग्लास जो है उससे बनाए जाते हैं क्या? लेंस। जबकि पायरेक्स ग्लास है तो आपको पता है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी ग्लास वेयर या किचन वेयर जो होते हैं वो बनाए जाते हैं किससे? पायरेक्स ग्लास से। जबकि ऑर्डनरी यानी साधारण कांच से अगर बात की जाए तो मिरर और विंडो के जो होते हैं वो बनाए जाते हैं साधारण से, और कोबाल्ट ग्लास से ऑप्टिकल फिल्टर बनाए जाते हैं कोबाल्ट ग्लास से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? विच गैस कंबाइंज विद मैनी मेटल्स इन एयर? एयर में जो है, जो बहुत सारे मेटल के साथ रिएक्शन करती है, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बोनेट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और फ्लोरीन है एक गैस का नाम, आपने सुना होगा फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है जो रिएक्शन करती है। दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, सेकंड नंबर पे आती है, दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। नेगेटिव वाला तो ले सकता है ना आसानी से, फिर ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। और वायु में ऑक्सीजन की उपलब्धता भी आप लोगों को पता है ज़्यादा है, जिसके कारण ज़्यादातर धातुओं के साथ ये जो है अभिक्रिया यानी रिएक्शन बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, सबसे अधिक तो आप जानते हैं फ्लोरीन गैस होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरे नंबर पर किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का नंबर आता है, और इसी के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है ले सकता है, और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल भी है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज फॉर्म ऑफ कार्बन? डायमंड किस प्रकार के कार्बन की फॉर्म है? क्रिस्टल, एक्रिस्टल,
केमिकल या बेसिक। तो सब डायमंड क्या है भाई, डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर और कैसा स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन इसमें, तो कार्बन फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सी भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और आप जानते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट नेचुरल मिनरल कह सकते हैं, हार्डेस्ट सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्या होता है, डायमंड। हार्डेस्ट हम कहेंगे हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मिनरल है डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है एचएसएससी के या एसएससी के या किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है यानी प्रोसेस विच मेटल लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, लोहे को बचाने के लिए उसके ऊपर किस प्रकार की लेयर चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन में, हिंदी में यह संलेपन की प्रक्रिया। तो तांबा, जस्ता, टीन और निकल, तो किसकी चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन ऑन विच क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। किसकी लेयर चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर जो है आयरन के ऊपर चढ़ाई जाती है। तो इससे ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग, एक जिंक की कोटिंग यानी उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है ताकि आयरन या लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला दोस्तों ये क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, गैल्वेनाइजिंग मतलब लोहे पे जिंक की परत चढ़ाना, गैल्वेनाइजिंग का मतलब है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना, क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेजर एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ एटमोसफियर, एटमोसफियर की बात हो रही दोस्तों, पृथ्वी के नीचे आंतरिक यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, एटमोसफियर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है 78% के साथ, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का लगभग हम 21% कहते हैं, 20.95 21% कहते हैं, बाकी बचगी अदर गैसेज। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन 78% गैसेज के साथ, जो है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जिसकी मात्रा प्रचुर है वायुमंडल में, कौन सा तत्व प्रचुर है, तो नाइट्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, जिसकी परसेंटेज कितनी है 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पता ही है आपको जिस पे पिघल जाए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर का वो पॉइंट यानी कितना गर्म करें जिसके ऊपर पिघल जाए कोई चीज़, यानी कोई चीज़ मेल्ट कर जाए तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। लोहा यानी आयरन, कार्बन, ब्रोंज और सिल्वर में से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका, क्लर्क पेपर में पूछा गया था भैया क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कार्बन का। और कार्बन जो है संयोजन बनाता है यानी कार्बन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्या बनाता है ये, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हिंदी में आप ध्यान रख सकते हैं संयोजन बंध बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए बहुत अमाउंट में हीट चाहिए, यानी अमाउंट ऑफ हीट जो इसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा निम्न ऑप्शन में से कौन सा है, कार्बन है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फिलामेंट, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो किस एलिमेंट, किस तंतु का इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्युतीय तंतु में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है, एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फिलामेंट, ब्रोंज, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर टंगस्टन, किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, टंगस्टन का किया जाता है, टंगस्टन इज द राइट आंसर, टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं टंगस्टन का, वो ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है टंगस्टन का, ज़्यादा होता है, गलनांक इसका ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, किस केस में करते हैं, इलेक्ट्रिक फिलामेंट में, इलेक्ट्रिक फिलामेंट में किसका यूज होता है, टंगस्टन का यूज होता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये। अगला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, गैस वाले गुब्बारे में भी होती है इज फिल्ड इन गैस बैलून, यानी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर आर्गन, तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम को भरा जाता है, जो हीलियम गैस है इसका घनत्व जो हवा से 1/8 होता है, यानी हवा के घनत्व से का 1/8 होता है, हवा के घनत्व से कितना होता है, 1/8 होता है हवा के घनत्व से हीलियम का, तो ध्यान रखेंगे गैस वाले गुब्बारे में क्या भरी जाती है भाई, हीलियम गैस भरी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन ऑडिबल रेंज, मानव सामान्य मानव स्वरण का हर्ट्ज में क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है और उसको HZ लिखते हैं आप, तो कितनी फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है, किस रेंज तक ह्यूमन सुन सकता है, दो प्रकार की आवाज होती है, एक होती है ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं, जिसकी रेंज 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है,
कितनी होती है, 20 से लेके 20,000। एक होती है जिसको अपन नहीं सुन सकते, या तो वो 20 से कम होगी यानी 20 से नीचे होगी, यानी 20 से कम होगी तो वो इंफ्रासोनिक होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, इंफ्रासोनिक। एक वो होगी जिसको अपन नहीं सुन सकते, जो 20,000 से ज़्यादा होगी उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। 20,000 से ज़्यादा होगी उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक भी बोल देते हैं, अल्ट्रासोनिक की रेंज भी है ये, तो अल्ट्रासोनिक भी कह सकते हैं। तो जो 20 से कम होगी इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज़्यादा होगी अल्ट्रासोनिक, और 20 से लेके 20,000 की जो बीच में होगी जिसको हम लोग सुन सकते हैं उसकी रेंज है ये। तो नॉर्मल ह्यूमन की जो रेंज है जिससे वो आवाज़ सुन सकता है वो कितनी है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगला देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, फैदोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। फैदोमीटर का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता है, भूकंप मापने के लिए, बारिश यानी वर्षा को मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है किसका, फैदोमीटर का। द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन इज कॉल्ड फैदोमीटर। उसको क्या नाम दे दिया गया है, फैदोमीटर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। यानी ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी, फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट भी देखिए कितना बेहतरीन और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। इन वैक्यूम, इन स्टील, इन वाटर, इन एयर। सॉलिड लिक्विड गैस में बात करेंगे तो सॉलिड के अंदर जो है साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, ध्वनि की गति जो है स्टील में सबसे ज्यादा होती है, निर्वात वैक्यूम में। यहाँ पे तो कितनी होती है बताइए, कितनी होती है निर्वात में भाई, यानी वैक्यूम में कितनी होती है साउंड की स्पीड, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लेंसों की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस, पावर लेंस की एसआई मात्रा क्या है, एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, वॉट, डायप्टर या बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन। सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा है बोर मैग्नेटोन, तो ये एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, किसकी होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट होती है बोर मैग्नेटोन मोमेंट। टेस्ला लिखा हुआ है सेकंड, तो जो टेस्ला है ये मैग्नेटिक फील्ड की होती है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। और वाट जो है वो आप जानते ही हैं कि वाट किसकी यूनिट होती है, शक्ति यानी पावर की यूनिट होती है वाट। और दोस्तों पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, 1/f को, ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस कहलाता है। और क्या है इसकी एसआई यूनिट, डायोप्टर, क्या कहते हैं इसको, डायोप्टर, यानी पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या है भाई, डायोप्टर। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये भी कई बार पूछा है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस एंड एसआई यूनिट इज डायोप्टर। बोर मैग्नेटोन किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, टेस्ला किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एंड वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज फाउंड इन नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फिर प्लेटिनम। तो कौन सी धातु पाई जाती है, प्लेटिनम, प्लेटिनम धातु है, ये सबसे कम अभिक्रियाशील और वायुमंडलीय ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और सल्फाइड बनाती है। तो ऑप्शन डी जो है नेटिव स्टेट में पाया जाता है, प्लेटिनम इसका होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, निम्न में से कौन सी, कौन हास्य गैस के नाम से जानी जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड जानी जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड ही जानी जाती है, आप लोगों को पता है ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है हास्य गैस में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड फाउंड इन टोमेटोज, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो क्या होगा इसका सही आंसर, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑक्जेलिक एसिड। ये तो याद है आपको क्योंकि एसिडिक और जो बेसिक सॉल्यूशन से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो एसिटिक अगर आपसे पूछा जाए, एसिटिक किसमें होता है, तो सिरका में, किसमें पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अमल होता है। उसके बाद अगर फॉर्मिक पूछा जाए आपसे पेपर में कि फॉर्मिक किसमें पाया जाता है, तो जल्दी से बताइए फॉर्मिक, और टार्ट्रिक का भी बताइएगा, टार्ट्रिक, तो टार्ट्रिक से तो आसान है इमली, फॉर्मिक एसिड बताइए किसमें पाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फॉर्मिक एसिड। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग पूल तरणताल के जल के विष संक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, विच केमिकल इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल एज डिसइंफेक्शन। तो किस केमिकल का यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन में, केमिकल के लिए, ब्रोमीन, क्लोरोफॉर्म, क्लोराइन या फिर फ्लोरीन। तो बताइएगा किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का, किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए स्विमिंग पूल में।
और अगला तो पूछ लिया है एक्जोथर्मी की डेफिनेशन ही कि हीट प्रोड्यूस होती है जिस रिएक्शन में, उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, उसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्या नाम दिया गया है उसको, एक्जोथर्मिक। और दोस्तों पूछा गया था कि रेस्पिरेशन, क्या पूछा गया था पेपर में कि रेस्पिरेशन किस प्रकार की रिएक्शन है, तो रेस्पिरेशन इज ए एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एक्जोथर्मिक वो होती हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है, यानी जिनमें हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है, उनको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। और जो हीट को करती हैं एब्जॉर्ब, जो हीट को करती हैं एब्जॉर्ब, उन रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या कहलाती है वो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगला देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक, फॉर्मिक, कार्बोनिक या फिर कार्बोलिक, दोनों में से बताइए, कार्बोलिक और कार्बोनिक में से कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो वाटर में कार्बोनिक एसिड बनाता है, विच फॉर्म जो बनाता है, ठीक है ना। शीतल जो पेय होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो पानी के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद है लास्ट वन क्वेश्चन, हु ड्राइव्ड मास एंड एनर्जी रिलेशन, तो आपने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इक्वेशन तो सुनी ही होगी, बहुत बार पूछा गया है इसको, इस किसने डिस्कवर किया था, प्लांक ने, आइंस्टीन ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, नाम चारों बेहतरीन हैं, चारों ही बेहतरीन है, और आप लोगों को पता ही होगा डाल्टन, एटोमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी, एटोमिक स्ट्रक्चर, जॉन डाल्टन, एटोमिक स्ट्रक्चर के बारे में जब पूछा जाएगा तो क्या नाम आएगा, जॉन डाल्टन। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अलावा भी काफ़ी सारी हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के लिए। और प्लांट को किस, प्लैंक को किसके लिए जाना गया है भाई, प्लैंक को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जबकि आइंस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की थी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा, ई से मतलब क्या है यहाँ पे, ऊर्जा, बोले तो एनर्जी, ई का मतलब है एनर्जी, एम का मतलब है मास, एम का मतलब क्या है यहाँ पे, सही थी। और सी का मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर रिलेशन किसने दी, आइंस्टीन ने दी थी, आइंस्टीन की इक्वेशन है ये। तो आज की क्लास में इतने बेहतरीन हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की क्लास जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। और अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बिल्कुल सही क्लास है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।